meat fry with fries. धुआंदार गोश्त, तो आज जो मैं जो रेसिपी सिखाने जा रहा हूँ वो दो रेसिपी हैं बकरीद के ही तवस्सो से। एक तो है मीट फ्राई विथ फ्राइज, मतलब गोश्त होगा उसके साथ फ्राइज होंगे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, नहीं जो है वो लोगों ने देखी होगी क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी वाल्दा की इनोवेट की हुई पसंदे, मैंने बेहतरीन अंदाज से पतले पतले पसंदे जो है वो बना के रख ली हैं। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है मैंने, ये मैं आधा इधर ऐड कर रहा हूँ और आधे पसंदे मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। दूसरी रेसिपी के लिए भी जो मुझे गोश्त है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं साथ साथ ही चढ़ाऊँ। एक एक लीटर पानी डाल के मैंने चढ़ा दिया है, अब डाल रहा हूँ मैं मसाले। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा एक टेबल स्पून सॉल्ट, यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये मीट फ्राई का, मीट फ्राई विथ फ्राइज और मीट भी भुना धुआंदार मीट, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इसको ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन ऐड करूँगा, मैंने असल में दोनों रेसिपीज़ के जो मसाले थे वो सामने ही रखे हुए थे और कोशिश ये है कि भाई मिस नहीं हो कुछ भी, इसलिए सब चीज़ें सामने करनी है मैंने। ठीक है, अब जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ऑयल, 200 ग्राम ऑयल ऐड करना है और फ्राइज के लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। अच्छा, लोगों ने एक और शिकायत करी, यस ऑयल ऐड करने से मुझे याद आया ख़ास तौर पे कि यार आप ऑयल का ना बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, आप लोग अगर चाहें तो कचरी पाउडर भी ऐड कर लें। चिप्स मैंने काट के रखे हैं, मैं इन दोनों को लगाते हैं लिड ताकि वो गल जाए। बारीक 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 हरी मिर्चें, तेल ऐड करा है, नमक ऐड करा है और जस्ट मैंने अदरक लहसुन ऐड करा है गोश्त के साथ। तो चेक कर लेते हैं जी हमारे ये, इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर रहा हूँ, लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ 1 खाने का चम्मच मैंने, और पिसा धनिया 1 चम्मच पिसा धनिया, इसके साथ जीरा, पिसा जीरा 1 चम्मच और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। इनके 8 अदद से 10 अदद अगर चाहते हैं डोडा मिर्च। अब चलते हैं अपनी दूसरी की तरफ, लाल मिर्च, इसमें भी अगेन 1 चम्मच हल्दी 1/2 टेबल स्पून, इसमें भी थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून ऐड कर जीरा, मसाले ऐड कर दिए मैंने, थोड़े से गलाने की तरफ है कि गल जाए गोश्त। इसको बनाएं आप धीमी आंच पे। रेसिपीज़ जो हैं वो 80% जो है वो हो गई हैं, कोयले को जो है मैंने धूनी देने के लिए रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ, जब मैंने स्क्वीज़ कर दिया तो मुझे याद आया कि नहीं यार दिखाना था, स्क्वीज़ करते हुए भी लेमन जो है वो दिखाना था, तो मैंने बोला ये सारा सामने ही कर दूँ।
अच्छा अब जो है मुझे बेहतरीन रेसिपीज हैं, मस्ट ट्राई, भट्टी चपाती रुमाली या भट्टी का नान फोड़ फोड़ के इसके साथ लाल मिर्चियाँ करें एंजॉय। इसके साथ मैंने बिल्कुल भी हरे धनिया हरी मिर्चें कुछ ऐड नहीं करी हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखने का है। मेरी रेसिपी अर्ली भी हो गई है। इस वाली रेसिपी के अंदर मैं अपने मीट फ्राई विद फ्राइज के साथ फ्राइज ऐड कर दिए। शक्ल देख के इश्क हो जाए आपको, ऐसी कोई ज़ोरदार रेसिपीज़ हैं बकरीद के हवाले से। अब इसके अंदर मैं ये फॉइल उठा के यहाँ रखूँगा, ये ऐड करूँगा, ये रख दिया इसके साथ उठाने के लिए, खाने के लिए इसकी धुएँ को मैं रखूँगा इसके साथ। तेल डालूंगा थोड़ा सा, कमाल शुरू हो गया अंदर, कमाल। धनिया और हरी मिर्चें क्रीम ऐड करी है मैंने इसके अंदर। मैं बस अब इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ और मैं उसकी लेट उसी वक्त उठाऊंगा जब मैंने वो सर्व करना होगा, क्योंकि जितनी देर रखेंगे उतनी देर उसका धुआं अंदर ही अंदर गोश्त के अंदर जो है वो जुड़ता जाएगा। मीट फ्राई विद फ्राइज। अज्जा मीट पसंदे 800 ग्राम, पानी आधा लीटर, तेल 200 ग्राम, दही 150 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हल्दी आधा खाने का चम्मच, हरी मिर्च 8 अदद, हरा धनिया हंसपे ज़रूरत, पुदीना हंसपे ज़रूरत, नींबू 1 अदद दरमियाना, हरी मिर्चें हंसपे ज़रूरत, दरमियाने आलू 2 अदद। धुआंदार गोश्त अज्जा मीट पसंदे 800 ग्राम, पानी 1.5 लीटर, तेल 200 ग्राम, दही 150 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हल्दी आधा खाने का चम्मच, पिसा धनिया आधा खाने का चम्मच, पिसा जीरा आधा खाने का चम्मच, गर्म मसाला आधा खाने का चम्मच, नींबू 1 अदद दरमियाना, डोडा मिर्च 8 अदद, कोयला धुआं देने के लिए। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। बेहतरीन दोनों रेसिपीज, धुआंदार बीफ और मीट फ्राई विथ फ्राइज, दोनों रेसिपीज जो है मेरी रेडी हो गई हैं। पार्ट है तो मैंने सोचा कि वो भी सामने किया जाए, तो मैं बिल्कुल इसका पॉइंट काटूंगा, मुझे बिल्कुल छोटी सी उसकी वो चाहिए। पहले उसको मैं चेक कर लूँगा कि वो निकलेगा किस तरीके से, ज़्यादा अगर पतली कटी होगी। हाँ अब मैं इसकी थोड़ी ड्रेसिंग करके दिखाऊँगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों रेसिपीज़ जो है वो अच्छी लगी होंगी।